नमस्कार भाई दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया सभी ने क्या? वो 750 किसान जो शहीद हुए थे उन्होंने भी मनाया होगा, जिनके ऊपर केस लगे हुए केस नहीं हटे उन्होंने भी मनाया होगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, कलजा मजबूत होना वो ही देखना, क्या इस मानवीय अमृत महोत्सव मनाया होगा। कहीं इन्होंने भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया होगा या कोई जिक्र किया कहीं पे इनका आज़ादी का अमृत महोत्सव। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने केस होंगे जिनको जिंदा जला दिया, जिनके घर में कोई नहीं बचा, उनसे भी फिर बोल रहे हो ज़बरदस्ती की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए। कोई जिक्र किया किसी ने? दो दिन से हम भी रोक रहे थे, माँ कोई ये बोलेगा फिर अमृत महोत्सव मना रहे हैं? ज़बरदस्त अमृत काल चला हुआ है, मनाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन क्या आज़ादी जिसको आज वीर पुरुष का वो दिया गया है, क्या आज़ादी सिर्फ उनकी वजह से मिली थी? उन्होंने ही आज़ादी दिलवाई थी? जबकि एक प्रोफेसर साहब ने बताया था, जब भगत सिंह और शहीद आज़म भगत सिंह और भूख हड़ताल पर बैठते थे तो सावरकर जी उनसे साइड कट मार देते थे कि मैं नहीं बैठता इनके साथ भूख हड़ताल पर। कितने ने शहीदी दे दी भूख हड़ताल पर बैठ के अंग्रेज़ों के जुल्मों के खिलाफ, लेकिन उनका कोई जिक्र ही नहीं, कोई जिक्र नहीं। जिक्र तो तब करें ना जब इनका कोई गया हो हकीकत में, क्योंकि किस किस ने आज़ादी दिलवाई थी, क्या बोलना चाहिए था वो बोलने का, और ज़्यादा किसी से नहीं सीख सकते ना, इस बंदे से ही सीख लेते। आज हम सब आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारा आज का जश्न 75 साल पहले हमारे पूर्वजों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, त्याग, इन्हीं से सीख लेते कुछ। क्रांतिकारियों के दिल में जो आजादी का सपना था, उस कल्पना में ऐसा नशा था कि जिसने जाति, कुछ इनसे ही सीख के बोल लेते, सारे बंधनों को तोड़, आजादी ऐसे ही नहीं मिली थी कि एक आदमी के नाम कर दी वो आजादी। महात्मा गांधी जी, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी, मंगल पांडे जी, राजा महेंद्र प्रताप, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अनेक शूरवीरों की अमर गाथाएं आज आजाद भारत में जन्म लेने वाले नई पीढ़ी के लिए गौरवान्वित करने वाला इतिहास ही नहीं बल्कि जीवन आदर्श और मार्गदर्शक भी है। आजाद भारत के निर्माण में हमारे पुरखों ने समरसता और सद्भावना के पारंपरिक मूल्यों को स्थापित किया। हमारा कर्तव्य उन मूल्यों को संजोकर रखना है। कम से कम समय है इनसे सीख लेते क्या बोलना था, और जो आज लाल किले पर बोल रहा वो सब ने सुन भी लिया है, जो बोल रहा है वो सबने सुना होगा, हम तो सुनते नहीं, ना हमने सुना। जिसने जो कहना है कर ले, क्या सुने क्या देखें, सबको पता है फिर कोई ना कोई जुमला, फिर कोई ना कोई झूठ आएगी, क्या सुनेंगे? क्या इन्होंने भी अमृत महोत्सव मनाया होगा? बताना एक बार ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करने का काम आपका है, सच्चाई दिखाने का काम अपना है। ये जो बोलते हैं ना कि अमृत महोत्सव चल रहा है, इस अमृत महोत्सव की सच्चाई अगर बताई जाएगी ना तो बहुत भयानक है। क्यों पर्दा डाला जा रहा है हर चीज़ पे? एक तरफ बोलते हो कि घर घर तिरंगा होना चाहिए, दूसरी तरफ उस तिरंगे से गंदे नाले को ढका जा रहा है। क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई? एक तिरंगा बचा था जिसका मान सम्मान बचा हुआ था, बाकी तो सभी सरकारी प्रॉपर्टियाँ बेची जा चुकी हैं। उस तिरंगे को भी नहीं छोड़ा, तिरंगे को भी नहीं छोड़ा, जिसके लिए बड़े फख्र से सलूट मारते हैं तिरंगे को खड़े होकर पूरी सेना बड़े फख्र से। लेकिन क्या किया, उसकी भी कीमत लगा दी, कहीं 20 रुपये, कहीं 50 रुपये, कहीं 500 रुपये, कहीं 1000 रुपये,
तिरंगे की कोई कीमत होती क्या? शहीदों ने अपना खून दे के सींचा इस तिरंगे को, लेकिन किसको बताएं, कौन सुनेगा? मुर्दा हैं सभी, मुर्दा आत्माएं हैं यहाँ पे। एक बार जाके इस माँ को बताना कि आप भी अमृत महोत्सव मनाइए। इनके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, बेटे को जिंदा जला दिया और वो भी गुरुद्वारे के सामने। ये भी अमृत महोत्सव मनाएंगे। हद होती है किसी चीज़ की, लेकिन यहाँ पर कोई हद नहीं है। क्यों? क्योंकि मुर्दों का देश हो चुका है। बोलने वाला कोई है नहीं, सवाल करने वाला वो कोई है नहीं। जवाब किसको देना है? किसी को भी नहीं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। सच्चाई आपको दिखाते रहेंगे। आपकी मर्जी है आप कब तक सोते रहते हो, ये भी हम देखना चाहते हैं। जब आपकी आँखें खुलेंगी बचेगा कुछ भी नहीं, ये याद रखना। नमस्कार भाई दोस्तों।